हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक हम लोग क्या कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे और उनके साइन कन्वेंशंस पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन किया था। आज के लेक्चर में अपन हीट शुरू कर रहे हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हीट हीट क्या है बेसिकली? हीट एक माध्यम है, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग में एनर्जी एक्सचेंज का, ठीक है, कि सिस्टम और सराउंडिंग जो एनर्जी एक्सचेंज करेंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ हीट, राइट। और हीट का पता कैसे लगता है कि अगर किसी सिस्टम में टेम्परेचर राइज हो गया तो ऑब्वियसली उसमें हीट ज़्यादा होगा, और किसी सिस्टम में अगर टेम्परेचर कम है तो उसका मतलब उसमें हीट कम होगा, राइट। तो बेसिकली हीट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखिए, इट इज़ द, आप क्या कह सकते हैं, इट इज द मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज करने का एक माध्यम है हीट से, ठीक है, ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा? एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। देखो ना, हीट सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में कब आएगा? व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई वेसल है और उसका टेम्परेचर T1 है और ये सराउंडिंग है इसका टेम्परेचर T2 है, अपन कह लेते हैं कि कंपेरेटिवली T2 का टेम्परेचर T1 से ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा है और सिस्टम में कम है, राइट। तो होगा क्या कि सराउंडिंग से हीट अंदर एंटर करेगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, राइट। तो ऐसे फ्लो होता है हीट, राइट। तो हीट कहाँ से? हीट यहां से अंदर फ्लो होगा। तो हीट फ्लो तभी होता है जब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के। चलिए, अगर इफ सिस्टम अब्सॉर्ब हीट, अगर आपने सिस्टम को हीट दी और सिस्टम ने उसे अब्सॉर्ब कर लिया, तब आप समझिए कि आपका हीट क्या है, प्लस क्यू लिखना है। और इफ वी रिमूव हीट, या हीट क्या होगा, लिबरेट होगा, तब अपन कह सकते हैं कि अपना हीट क्या होगा, माइनस क्यू। तो इफ द हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम देन इट इज माइनस क्यू, इफ द हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इट विल बी प्लस क्यू, सिंपल। तो इससे ही एक लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इट सेज, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सिंपल बात कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, कि एनर्जी कंजर्व रहता है। आपने जरूर पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं एक बार कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना एनर्जी क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, पर इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक, चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिक फैन, मतलब फैन होता है, तो फैन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं,
इनपुट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी और आउटपुट क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हीटर होता है, हीटर में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इनपुट, और जो आउटपुट होता है दैट इज हीट एनर्जी। सो देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ऑब्वियसली देयर मे बी अ एनर्जी लॉस, ऐसा तो नहीं होगा कि आप जितना इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उतना तेजी से फैन घूमेगा, देयर मस्ट बी एनर्जी लॉस, राइट। जैसे आपने जितनी एनर्जी दी वो पूरा का पूरा हीटर में हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, देयर मस्ट बी एनर्जी लॉस। पर हाँ, हम ये कहते हैं कि टोटल सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर जो एनर्जी रहती है वो कंजर्व रहती है, ठीक। तो अब देखिए, अपन एक बात कह रहे हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं। कहते हैं कि सपोज देयर इज अ सिस्टम, सिस्टम को हमने बना दिया कि एक पिस्टन लगा हुआ है, एक वेसल है उस पर पिस्टन लगा हुआ है। सपोज इनिशियली इट हैज इंटरनल एनर्जी U1, राइट। उसके बाद इस सिस्टम में आपने हीट दिया, मतलब इस सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब किया, राइट। व्हेन इट अब्सॉर्ब हीट, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, U1 प्लस Q। अगेन इफ यू डू वर्क ऑन दिस सिस्टम, आपने सिस्टम पे अगर वर्क किया, एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, U1 प्लस Q प्लस W, दिस इज न्यू इंटरनल एनर्जी। तो आप अगर सिस्टम में हीट देते हो, ठीक है, और आप वर्क डन करते हो, तो वो सारी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाएगी, ठीक है, और उसकी एक नई एनर्जी बनेगी, दैट इज U1 प्लस Q प्लस W। तो अब क्या कह सकते हैं, जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का, दैट इज व्हाट, दैट इज U2 एंड दैट विल बी अस U1 प्लस Q प्लस W। इससे सिंपल ये पता चलता है कि अगर आप किसी सिस्टम में क्या करते हैं, उस सिस्टम की ऑलरेडी कुछ एनर्जी है और आपने क्या किया कि उसमें हीट दिया, ठीक, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाएगा। उस वजह से हो सकता है कि आपका एक्सपेंशन हो जाए या कंप्रेशन हो जाए। सिमिलरली आपने वर्क डन किया, तो वर्क डन से होगा क्या, कंप्रेशन होगा सिस्टम पे अगर वर्क डन किया होगा। जैसे आपने हीट अब्सॉर्ब करवाया तो हो सकता है एक्सपेंशन होगा। तो मतलब ये है कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो क्या करेगा, नो डाउट कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट चेंज डालेगा सिस्टम पे, राइट। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है दैट इज U2 एंड दैट इज U1 प्लस Q प्लस W एंड दैट इज, यहाँ इसको यहाँ पर ले आइए, U1 माइनस U2 Q प्लस W, राइट। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी है, तो दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q प्लस W। तो जो भी चेंज आया इंटरनल एनर्जी में वो क्यों आया, चार्ज और वर्क डन के कारण, राइट। अगर आपने हीट और वर्क डन के कारण, ठीक है, चार्ज बोलने की आदत हो गई है थोड़ी सी, वो फिजिक्स वाला टर्म है, पर हीट और वर्क डन के कारण क्या हुआ, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, राइट। और उस वजह से हो सकता है एक्सपेंशन हो कंप्रेशन हो। अगर एक्सपेंशन कंप्रेशन कुछ नहीं होता है और आप सोच रहे हो कि सिस्टम ऐसे ही रहे कि उसको एक्सपेंशन और कंप्रेशन अलाउड नहीं है, तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक, राइट। अगर आप चाहते हो इंटरनल एनर्जी ना बढ़े तो ऑब्वियसली कुछ एक्सपेंशन या कंप्रेशन तो होगा, राइट। चलिए, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस W, इसे याद रख लेना। अच्छा, यहां से वर्क डन को आप क्या लिखते हैं, पी डेल्टा वी, पिछले लेक्चर में देखा था, वर्क डन इज व्हाट, माइनस पी डेल्टा वी, वेयर पी इज एक्सटर्नल प्रेशर। तो इससे भी एक साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं, इफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, इफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम,
अगर सिस्टम ने एनर्जी अब्जॉर्ब करी तो आप समझना डेल्टा यू क्या होगा, सॉरी यू क्या होगा आपका, नहीं डेल्टा यू लिखना चाहिए मुझे शायद, इफ द एनर्जी अब्जॉर्ब सिस्टम डेल्टा यू शुड बी पॉजिटिव एंड इफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम तो उस केस में आपकी डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। वैसे आप इसको कंपैरिजन में चलो रहने दोगे। देखो मैं तुम्हें तो ऐसे समझाता हूं कि जैसे यू टू माइनस यू वन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यू टू ग्रेटर हो यू वन से, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी ग्रेटर हो इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। ऐसा कब होगा? तब होगा जब आपने सिस्टम को एनर्जी दी और वो सिस्टम ने एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली एक्सपेंड हुए बिना। अगर तो वो एक्सपेंड हो जाती तो शायद इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ती, पर आपने एक्सपेंड किए बिना आपने क्या किया, हीट दिया, हीट देने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, ठीक। फिर आपने वर्क डन किया तो और ज्यादा बढ़ गई। तो हम यही बोले कि इफ एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इफ एनर्जी इज रिलीज बाय द सिस्टम इट मीन्स वॉट, इसका मतलब है यू टू माइनस यू वन नेगेटिव है। और ये नेगेटिव कब आएगा? जब यू वन ग्रेटर होगा यू टू से, यानी इनिशियल इंटरनल एनर्जी ज्यादा थी बाद में कम हो गई। बाद में कम कैसे हुई होगी कि कुछ ना कुछ हीट बाहर निकला होगा सिस्टम से, बाहर निकला होगा तो इसलिए इंटरनल एनर्जी घट गई होगी, कुछ ना कुछ हीट या कुछ ना कुछ वर्क डन ऐसा हुआ होगा जिस वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई है, राइट। चलिए आई होप समझ में आया होगा ये बात। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अब इसके बाद लिख लो, यहीं पे लिख लेते हैं। आपको ना एक्सप्रेस करना है इंटरनल एनर्जी को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आपको कुछ कंडीशन दे दी जाएंगी, उसके हिसाब से आपको इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक। सबसे पहला है कि नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, क्या बोल रहे हैं कि नो हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, बाय सिस्टम बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे वर्क डन हुआ है पर सिस्टम ने कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं की है, राइट। तो कैसे लिखोगे बताओ? डेल्टा यू, नो हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, तो इसका मतलब क्या होगा? क्यू तो जीरो होगा, तो डेल्टा यू क्या लिखते हैं? क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जीरो हो गया। बट यस, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन सिस्टम पे हुआ, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव वर्क डन होगा, दैट इज डब्ल्यू। डेल्टा यू इज वॉट? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन वर्क डन, क्योंकि हीट तो जीरो है, ठीक। एक और कंडीशन लिखते हैं हम यहां पे, लिखा है कि नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड, नहीं क्या है, बट Q amount of heat is given out by the system, out by system, पर Q amount of heat system ने बाहर निकाला है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जैसे डेल्टा U is what? Q plus W,
नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो हमने बोला वर्क डन तो है ही नहीं, जीरो है, ठीक, पर हीट सिस्टम ने दिया है, इसका मतलब हीट क्या है, माइनस क्यू है, तो डेल्टा यू इज वॉट, माइनस क्यू, यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट विल डिपेंड ऑन ओनली हीट रिलीज, राइट। चलिए नोट कर लो फटाफट, टेक अ स्क्रीनशॉट अगर नोट नहीं किया तो। ठीक है, आई एम रबिंग इट। ठीक है बच्चों, आगे एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन है ऐसा कि कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज, आपको वही इंटरनल एनर्जी चेंज यानी डेल्टा यू को लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, राइट। कैसे, पहला कंडीशन है कि सिस्टम अब्सॉर्ब हीट, सिस्टम अब्सॉर्ब हीट, कितना हीट, 15 किलो जाउल, एंड डज 5 किलो जाउल, एंड डज 5 किलो जाउल ऑफ वर्क। एक सिस्टम है वो हीट अब्सॉर्ब करता है 15 किलो जाउल और 5 केजी का वर्क डन करता है। आप लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हीट अब्सॉर्ब का मतलब क्या हो गया कि प्लस 15 किलो जाउल वर्क डन, 5 केजी वर्क डन करता है ना, सिस्टम करता है वर्क डन, डज अ वर्क 5, इसका मतलब सिस्टम ने वर्क डन किया, एक्सपेंशन हुआ, तो माइनस 5 केजी, तो डेल्टा यू विल बी व्हाट, 15 माइनस 5 इट विल बी 10 किलो जाउल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू ये आया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव आया ना, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज हुआ, बाय प्लस 10 किलो जाउल पर मोल। चलिए एक और लिखते हैं, सवाल है 5 केजी ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। शायद रहने दो, आप इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन देखनी होती है, ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है इसमें। आगे आ जाइए, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। डेटा क्या है, 2 moles ऑफ एन आइडल गैस, 2 moles ऑफ एन आइडल गैस इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली एट 27 डिग्री सेल्सियस, राइट, एंड 1 atmospheric
प्रेशर, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, आर कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, एंड रिवर्सिबली टिल द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, टिल द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, टिल द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज 1080 एम. आप लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन में समझा दूंगा. कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू एंड डेल्टा यू फॉर दिस सिस्टम. चलिए शुरू करते हैं. क्या है क्वेश्चन? 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस इनिशियली एट 27 degree Celsius. मैं कुछ कंडीशंस लिख देता हूँ. एन इज अ नंबर ऑफ मोल्स, आपको 2 moles दिया हुआ है वो, राइट right? उसके बाद टेम्परेचर भी दिया है. कितना? 27 degree Celsius मीन्स 300 Kelvin, राइट right? उसके बाद क्या आपका, इन्होंने बोला कि 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस इनिशियली एट 27 degree Celsius एंड 1 atmospheric प्रेशर, यानी इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना है, 1 atm, 1 atmospheric, उसको कंप्रेस किया जाता है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली टिल द फाइनल प्रेशर. ठीक, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस क्या है, 1080 एम. तो फाइनल प्रेशर हो गया 1080 एम. आइसोथर्मली किया, इसका मतलब जो टेम्परेचर शुरू में था वही बाद में ही रहा होगा, यानी 300 केल्विन पे ही हुआ है. ठीक है, अब बोलते हैं कि बताओ क्यू हीट, डब्ल्यू वर्क डन एंड डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क आया. चलिए पहले तो आप ये समझिए कि मैंने, मेरे पास एक सिस्टम था, ठीक है, इसमें 2 moles आइडियल गैस भरा हुआ था, 2 moles, ठीक. इनिशियली इसका टेम्परेचर था कितना, 27 degree Celsius और प्रेशर था 1 atm. मैंने इसे कंप्रेस किया, कंप्रेस करके क्या बनाया, पता नहीं कितने नंबर ऑफ मोल्स हुआ होगा, मोल्स तो सेम ही रहेंगे पर टेम्परेचर भी सेम है, 27 degree Celsius ही है, मोल्स भी सेम ही होगा, कोई बदलाव तो आएगा नहीं. ठीक, प्रेशर मैंने अब क्या कर दिया, 1080 एम कर दिया, 10 गुना कर दिया. तो मुझे फाइंड करना है क्यू हीट वर्क डन एंड डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, राइट. तो चलिए सबसे पहले मैं वर्क डन निकालता हूँ. वर्क डन का फॉर्मूला मुझे आता है 2.303 nRT इन टर्म्स ऑफ प्रेशर log P1/P2. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था. यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2.303 एन नंबर ऑफ मोल्स, 2 गैस कांस्टेंट 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन. आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, एक सेकेंड, ठीक है. और लॉग P1/P2, तो लॉग P1 इज व्हाट, लॉग P1 इज 1, लॉग P2 इज 10. ठीक है, बढ़िया है. अब सॉरी गड़बड़ कर रहा हूँ, लॉग P2/P1 होता था ना, लॉग P2/P1, तो यहाँ 10/1 होगा. इसके बाद तो कैलकुलेशन है, ठीक, लॉग 10/1 होता है, बाकी आप कैलकुलेट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 11488. मेरे पास तो लिखा है तो मैं लिख रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करना है, और पॉजिटिव आएगा, ठीक, यानी सिस्टम पे वर्क डन हुआ है, आपने कंप्रेस किया है उसे, वो तो लिखा भी है साफ साफ, तो इतना वर्क डन हुआ है कंप्रेस करने में, राइट. अब आ जाते हैं क्यू और डब्ल्यू पे.
आप जानते हैं फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस, मैंने बताया था पिछला लेक्चर देख लेना प्लीज अगर नहीं पता हो तो। फॉर एन आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कोई भी हो, कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, अगर आइसोथर्मल कर रहे हो और आइडियल गैस की कर रहे हो कंप्रेशन या एक्सपेंशन, तो पक्का डेल्टा यू जीरो होता है। चाहे एक्सपेंशन करो चाहे कंप्रेशन करो, आइसोथर्मल कंडीशन पे आइडियल गैस अगर कंप्रेस या एक्सपेंड हो रहा है तो उसका मतलब वो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी उसकी जीरो है। ठीक, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो अब डेल्टा यू अपन क्या लिख रहे थे, क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो जीरो हो गया, तो क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज वॉट माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब क्यू कितना आ जाएगा, माइनस 1148 जाउल। इतनी एनर्जी सिस्टम से निकली है, ठीक, जब आपने कंप्रेस किया। ठीक है, आई थिंक इससे वर्क डन भी समझ में आ ही गया होगा, वर्क डन तो लिख ही दिया, डेल्टा यू जीरो है, सही है। तो ये था क्वेश्चन, अब आ जाइए टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज व्हाट, क्यू प्लस W। इन्होंने कहा कि अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस पी डेल्टा वी, राइट, तो Q को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। ठीक, अगर इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर प्रोसेस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में होता है, कहने का मतलब क्या है कि आपको अलाउड नहीं है कि आप जो पिस्टन है उसको ऊपर नीचे ले जा सको, ठीक, वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते या घटा सकते हो, तो अगर प्रोसेस अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में होता है तो आप हीट को क्या लिख सकते हो, क्यू, इसके छोटा सा नीचे लिख देना वी। ठीक, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, खुद ही सोचो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो मैं लिख सकता हूं ना कि डेल्टा वी तो क्या होगा, जीरो, तो क्यू इज व्हाट, डेल्टा यू, और ये चीज क्या हो जाएगी, पी इंटू डेल्टा वी जीरो, तो क्यू वी इज डेल्टा यू। कहने का मतलब है कि अगर प्रोसेस होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक, तो जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा दैट इज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब और रिलीज, राइट, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का कोई, क्योंकि देखो ना, अगर किसी सिस्टम ने का इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, इसका मतलब उसने सिस्टम मतलब हीट अब्सॉर्ब किया होगा, तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि वो एक्सपेंड तो हो ही नहीं सकता, एक्सपेंड नहीं हो सकता तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर आपने हीट निकाल लिया तो उसका इंटरनल एनर्जी घट जाएगा क्योंकि वो कंप्रेस तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो अगर आप उस पर एक कंडीशन लगा देते कि वॉल्यूम घट या बढ़ नहीं सकता, एक्सपेंशन और कंप्रेशन अलाउड नहीं है, तो देयर मस्ट बी एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन हीट, राइट, तो सो इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट अब्सॉर्ब्ड, इज द हीट अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड,
इज द हीट अब्सॉर्ब और इवॉल्व एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना इस बात को, नोट करो फटाफट। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम एक नया कंडीशन करते हैं इसी के अंदर कि इफ गैस एक्सपेंशन, इफ गैस एक्सपेंशन वर्क इज डन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हमने क्या किया कि एक्सपेंशन वर्क मतलब समझते हो, मतलब वर्क ऑफ एक्सपेंशन मतलब पिस्टन ऊपर को जा रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर कम या ज्यादा नहीं होना, मतलब सिस्टम का प्रेशर मेंटेन रहने के लिए वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज तो होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। मैंने लिख दिया हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो यहां से मैं क्यू पी क्या लिखूंगा, दैट इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब इस केस में डेल्टा वी जीरो नहीं है, राइट, वॉल्यूम चेंज होगा, देखो ना एक सिस्टम है, राइट, मैं उसको हीट दे रहा हूं और मुझे जो है इस सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब खुद ही सोचो, मैंने हीट दिया तो सिस्टम का प्रेशर तो बढ़ेगा ना, अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड होना चाहेगा, ठीक, या वो कंप्रेस होना चाहेगा, नहीं तो फट जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऑब्वियसली इस सिस्टम को हीट देने के बाद वो एक्सपेंशन तो शो करेगा ना, राइट, ये शुरू में मान लो वॉल्यूम वी वन है, बाद में वी टू है, तो डेल्टा वी जीरो नहीं होगा इस केस में, क्योंकि आप प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, राइट। यहां पे क्या कांस्टेंट है, एक्चुअली प्रेशर कांस्टेंट है, राइट, और प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी जीरो होगा, लेकिन यहां पे डेल्टा पी है ही नहीं, यहां तो डेल्टा वी है, डेल्टा यू है, इसीलिए ये फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका ये। तो यहां से आप एक बात समझिए कि सपोज मान लो गैस ने हीट अब्सॉर्ब किया QP, ठीक, तो उसका इंटरनल एनर्जी शुरू में मान लो U1 था, और उसने जैसे ही हीट गेन किया उसका इंटरनल एनर्जी आ गया, ये V1 V2 है, ठीक है, वॉल्यूम दिखा रहा था इसमें मैं, हाँ, तो ये क्या है, शुरू में इंटरनल एनर्जी U1 था, जैसे इसने हीट गेन किया इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, U2 हो गया, एंड U2 इज व्हाट, U1 प्लस हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। चलिए, और वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो गया V1 से V2, तो अपन कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन QP कैन बी रिटन एज व्हाट, डेल्टा U इज व्हाट, U2 माइनस U1, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन सिस्टम अब्सॉर्ब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस P delta V is what? V2 minus V1. तो यहां से QP, you can write this expression U2 plus PV2 and
माइनस यू वन प्लस पी वी वन। ये जो चीज बनी है U प्लस पी वी दैट इज H, एक्चुअली ये क्या है H है, H इज इक्वल टू U प्लस पी वी एंड दिस H इज वॉट, दिस H इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी एंड दिस इज कॉल्ड हीट कंटेंट और एंथैल्पी, हीट कंटेंट और एंथैल्पी। ठीक, और यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये H2 माइनस H1। ठीक, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज H2 हो जाएगी और ये H1। तो यहां पे QP इज व्हाट, दैट इज डेल्टा H। डेल्टा H आप जानते हैं, डेल्टा H इज अ टर्म विच डिसाइड वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक, यानी पूरे सिस्टम में हीट रिलीज हुई है या अब्सॉर्ब हुई है। ठीक, तो अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो सिंपल सी बात है, आप सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए अलाउ कर रहे हो, ठीक है, या कंप्रेस करने के लिए अलाउ कर रहे हो, और इससे क्या होगा, सिस्टम का सिर्फ हीट बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, यानी जो भी आप हीट एट कांस्टेंट प्रेशर देंगे दैट विल आइदर इंक्रीज एंथैल्पी और डिक्रीज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, राइट। सो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच, और यहां पे जो आपने लिखा है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, तो यहां से एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। कहने का मतलब है एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू QP, यानी QP हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का एक फॉर्मूला बन गया, क्या, दैट इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखें। तो हर एक सिस्टम के अंदर एक टाइप की एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और वो इंटरनल एनर्जी कई फॉर्म में होती है। हालांकि अभी तक आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो भी आप हीट देंगे कांस्टेंट प्रेशर पे दैट विल डिसाइड कि रिएक्शन सॉरी जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा यानी चेंज इन एंथैल्पी होगा, ठीक, तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, राइट। तो बस यही था, आगे देखो। थोड़ा हीट कंटेंट बता दूं, मैंने लिख तो दिया कि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी इज हीट कंटेंट विच इज डिनोटेड बाय एच, राइट। पर होता क्या है, याद रखो कि जो भी एनर्जी स्टोर होगा सिस्टम में, ठीक, दैट इज अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन इनटू हीट। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा समझो कि जो भी सिस्टम के अंदर अंदर एनर्जी पहले से स्टोर है और अगर उस स्टोर्ड एनर्जी को आप हीट में कन्वर्ट कर पा रहे हो, ठीक, हीट में कन्वर्ट मतलब बाहर भेज रहे हो हीट से या अंदर ला रहे हो, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो अगर उस इंटरनल एनर्जी को आप हीट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हो तो दैट हीट इज कॉल्ड हीट कंटेंट और एंथैल्पी। ठीक, सो द एनर्जी स्टोर्ड, मैं लिख देता हूं, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस within the substance or the system that is available for conversion into heat. Is called heat content or enthalpy. ठीक, समझ में आया होगा, जो भी एनर्जी स्टोर्ड होता है विद इन द सिस्टम, ठीक है, एंड दैट इज अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन
इनटू हीट, दैट इज कॉल्ड हीट कंटेंट और एंथैल्पी। और अगर किसी सिस्टम की एंथैल्पी, हीट कंटेंट जो भी है, वो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, राइट। और डेल्टा एच इफ पॉजिटिव, इट इज एंडोथर्मिक। तो हीट कंटेंट और हीट एंथैल्पी इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, राइट। सो चलिए याद रखना बच्चों, वी कैन नॉट डिसाइड एच, वी कैन डिसाइड द डेल्टा एच। सिमिलरली वी कैन नॉट डिसाइड यू, हम इंटरनल सिस्टम, सॉरी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की नहीं पता लगा सकते। कितना चेंज आया इंटरनल एनर्जी में वो पता लगा सकते हैं, ठीक। तो आप चेंज मेजर करते हैं, कभी भी आप सिंगल क्वांटिटी मेजर नहीं करते, यू मेजर नहीं कर सकते आपकी किसी सिस्टम की कितनी इंटरनल एनर्जी है, दैट इज हिडन, राइट। पर क्या चेंज आया उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक। और इंटरनल एनर्जी जो है उसको चेंज करने का मेजर अलग अलग है, जैसे टेम्परेचर, वर्क डन, ठीक है, या हीट कितना चेंज आया, ये सब फैक्टर है, क्राइटेरिया है जो यह बताएंगे कि इंटरनल एनर्जी में क्या बदलाव आया था, ठीक है। चलो, और कोई भी सिस्टम अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी खोता नहीं है, ठीक, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी उसके पास रह जाती है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।